5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले बाजों को, वो नीरव मोदी हो, वो ललित मोदी हो, वो विजय माल्या हो, मेहुल चौकसे हो, उनको विदेश तक पहुंचाया। और धन्ना सेठों के 15,00,000 करोड़ रुपए बैंकों के राइट ऑफ कर दिए, यानी बट्टे खाते में डाल दिए। 1,19,00,000 परिवार जो बिजली के उपभोक्ता हैं, उनको, उनमें से 1 करोड़ से अधिक लोग, कुल बिजली उपभोक्ता राजस्थान में 1,19,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर, 1 करोड़ लोगों को उसका फायदा हुआ उनमें से। और किसानों को 2 माह यूनिट बिजली प्रति माह तक उपभोग करने पर बिजली निःशुल्क। सस्ती गैस, मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज मुहैया करवाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उन्हें रेवड़ियां बताते हैं, जबकि हम अपनी गारंटियों से जनता को राहत पहुंचाते हैं। उन्होंने धन्ना सेठों को अरबों का करोड़ों का मेवा खिलाया है और कांग्रेस ने राहत की गारंटी पहुंचाई है। तो आज जब ये आखिरी पत्रकार वार्ता है चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, तो मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखूंगा कि मोदी जी के मेवे और कांग्रेस की राहत की गारंटियों का सच क्या है। मेवा बनाम रेवड़ी की लड़ाई है। मोदी सरकार ने 9 सालों में धन्ना सेठों को खूब मेवा खिलाया। कॉरपोरेट टैक्स में छूट देकर भाजपा और मोदी सरकार ने 1,82,000 करोड़ का मुनाफा बड़े बड़े धन्ना सेठों को पहुंचाया। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले बाजों को, वो नीरव मोदी हो, वो ललित मोदी हो, वो विजय माल्या हो, वो मेहुल चौकसे हो, उनको विदेश तक पहुंचाया। और धन्ना सेठों के 15,00,000 करोड़ रुपए बैंकों के राइट ऑफ कर दिए, यानी बट्टे खाते में डाल दिए। और एनसीएलटी का कानून बनाकर कुल लोन का 90% माफ करके अरबों खरबों का फायदा धन्ना सेठों को पहुंचाया। यह है भाजपा का मेवा। और जब हम राहत की गारंटियां देते हैं तो वो उन्हें रेवड़ी बताते हैं। आइए कुछ तथ्य देख लेते हैं। हमने 66 दिन में 3,000 महंगाई राहत कैंप लगाए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार इस देश की इकलौती सरकार है जिसने इस बात की पहचान की कि मोदी निर्मित, भाजपा निर्मित महंगाई से राहत की जरूरत है। और हमने 66 दिन में मई, जून और जुलाई में 3,000 राहत कैंप लगाए और 1,80,00,000 परिवारों को कांग्रेस के गारंटी कार्ड पहुंचाए। और फिर अगस्त और सितंबर में भिन्न भिन्न योजनाओं के 25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से राजस्थान के लोगों के खाते में पहुंचाए। ये कांग्रेस है। और अब फिर जो हम 7 गारंटियां लेकर आए हैं, पिछले 27 दिन में 1 करोड़ से अधिक परिवारों ने उन 7 गारंटियों के लिए रजिस्टर किया है। ये कांग्रेस पर लोगों का विश्वास और भरोसा है। मोदी सरकार जब गैस सिलेंडर 400 रुपए का, जो कांग्रेस के समय में था, वो 1,150 रुपए में बेच रही थी, तो देश की इकलौती राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी जिसने ये फैसला किया कि 1 अप्रैल 2023 से समूचे राजस्थान के अंदर हम इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। और इस योजना से अब तक
राजस्थान के 69 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर हम दे पाए। ये डेटा शायद अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। 69 लाख परिवारों ने 500 रुपए का गैस सिलेंडर राजस्थान में लिया और इससे 293 करोड़ 60 लाख रुपए का फायदा या लगभग 300 करोड़ का फायदा राजस्थान के उन 69 लाख परिवारों को मिला। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट की बिजली मुफ्त कर दी और 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, विद्युत कर और नगरीय उपकर को माफ कर दिया। 1 करोड़ 19 लाख परिवार जो बिजली के उपभोक्ता हैं, उनको उनमें से 1 करोड़ से अधिक लोग, कुल बिजली उपभोक्ता राजस्थान में 1 करोड़ 19 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर, 1 करोड़ लोगों को उसका फायदा हुआ उनमें से। और किसानों को 2 माह यूनिट बिजली प्रति माह तक उपभोग करने पर बिजली निशुल्क दी गई। इस योजना में भी 11 लाख किसान परिवारों को उसका लाभ मिला। और अब राहुल जी, खड़गे साहब, उनकी मंशा के अनुरूप एक ऐतिहासिक निर्णय और हमने लिया है कि राजस्थान में उज्ज्वला उपभोक्ताओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जो जुड़े हैं, ऐसे 1 करोड़ 6 हजार परिवार हैं। इन 1 करोड़ 6 हजार परिवारों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। ये कांग्रेस है। एक और पहलू, राजस्थान को निरोगी बनाएंगे और 50 लाख तक का इलाज करवाएंगे। पूरे देश में एक राज्य ऐसा है राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार ने राइट टू हेल्थ लागू किया और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रुपए तक का पहले बीमा किया, 1 अप्रैल 2022 से इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया और इस योजना के अंतर्गत अस्पताल एडमिशन के 5 दिन और उसके बाद 15 दिन तक जो भी खर्चा होता है उस खर्चे का रिफंड किया जाता है, उसका जो व्यय है वो बीमा कंपनी को उठाना पड़ता है। और इस योजना में जितने परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में हैं, सामाजिक आर्थिक जनगणना में हैं, 2011 के पात्र परिवार हैं, लघु एवं सीमांत कृषक हैं और कोविड-19 की जो अनुग्रह राशि पात्र करने वाले परिवार हैं, वो सब शामिल हैं। इसका फायदा कितने लोगों को हुआ? इसका फायदा अब तक 33,20,000 लोगों को हुआ और उनको 3,820 करोड़ रुपए का निशुल्क इलाज हम दे चुके। ये हमारा भरोसा है, ये हमारा विश्वास है और ये हमने करके दिखाया है। 3,820 करोड़ का मुफ्त इलाज 33,20,000 मरीजों को हम दे चुके इस योजना में। और अब हमने इसलिए फैसला किया है कि ये हम 50 लाख रुपया तक करेंगे, ये कांग्रेस की गारंटी है। और चिरंजीवी योजना में इसका लाभ मिलेगा अब 1 करोड़ 40 लाख परिवारों को, यानी लगभग पूरे राजस्थान के 90 से 95% परिवार इसमें कवर हो जाएंगे। तीसरा, महिलाओं को हम अधिकार संपन्न बनाएंगे और घर की मुखिया गृह लक्ष्मी को हर साल 10,000 रुपए का आर्थिक